का हमारा एनिमल डाइवर्सिटी से जो सेकंड लास्ट लेक्चर है वो है क्लास मैमेलिया इसको दो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको वाइंड अप करूंगी क्लास uh, मैमेलिया में जो हमारा पहला लेक्चर होगा उसमें इसके यूनिक करैक्टिस्टिक करेंगे और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन uh, जो है वो डिस्कस करेंगे और रिप्रोडक्टिव डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं है, मेमेलिया की उनको हम करेंगे और जो लेक्चर टू होगा उसमें डिफरेंट इसके बॉडी के जो है वो सिस्टम देख लेंगे और साथ इसकी जो है डिटेल के साथ क्लासिफिकेशन जो है उसको ऑर्डर जो है डिफरेंट ऑर्डर क्लासीफिकेशन ऑरिजन तो ये डिस्कस करेंगे तो ए, मैं कोशिश करूंगी कि इसके अलावा जो कुछ मैंने बातें आपसे की थी कि मैंने आपको करवानी है जैसे वर्टिब्रेड के किडनीज हैं तो उसमें मेमिलियन किडनी या वर्टी ब्रेड किडनी तो उसको भी सेकेंड लेक्चर में जो है वो इनशाला आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी तो स्टार्ट करते हैं मैमल्स के करेक्टरिस्टिक की तरफ लेकिन उससे पहले ये चार्ट जो है हम देख लेते हैं एमनियोट्स में हमारा जो लास्ट एमनियोटा है वो है क्लास मेमिलिया एमियोड्स में हम अगर पिछले लेक्चर को डिस्कस थोड़ा सा कर लें तो एमनियोड्स में मैंने आपसे कहा था कि थ्री डिफरेंट टाइप के एमनियोड्स हैं रेप्टाइल हैं एवीज हैं और मैमल्स हैं और इनका आपस में बहुत ज्यादा जो है वो ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं क्योंकि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो रेप्टाइल के डिफरेंट लीनियज जो है उनसे ये निकले हैं तो रेप्टाइल एवीज एंड मैमल्स आर आर एमनियोड्स और एमनियोट्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जिनका एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर जिनके एग पे है और जो है वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर है एमनियन है कॉरियन है एलेंटाइस है और टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जिनका एग जो है वो हार्श कंडीशन में भी जो है वो रह सकता है तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे एमनियोट्स तो हमारा लास्ट का क्या है क्लास मेमिलिया करेक्टरिस्टिक की तरफ इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि आल द मैमल्स इनमें जो इनकी मेन इसकी यूनिक करेक्टर में है कि इनकी स्किन जो है वो किससे कवर्ड है हेयर से चंद एक मैमल है जिनमें आपको हेयर नहीं मिलेंगे अदरवाइज जो है मैमल की पूरी बॉडी में आपको क्या मिलेंगे उनकी बॉडी जो है कैराटीनाइज जो है वो एपीडरमल जो है वो कैराटीनाइज हेयर पर मुश्तमल होगी और डिवेलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड इन फीमेल ये जो है अपने यंग वन को नरिश करवाएंगे मिल्क से और मिल्क कहाँ से होगा मेमरी ग्लैंड से जो कि मॉडिफाइड फार्म है किसकी अः uh, जो है स्वेट ग्लैंड की uh, जो है वो हम कह सकते हैं उनके मेमरी uh, ग्लैंड जो है वो क्या है डिफरेंट uh, ग्लैंड की जो स्किन के ग्लैंड है उनकी मॉडिफाइड फार्म है इसके अलावा मस्क्यूलर डायाफ्राम जो है वो आपको मेमल में मिलेगा और मस्क्यूलर डायाफ्राम जो है वो रेस्पायरेशन में रोल प्ले करेगा और मस्क्यूलर डायाफ्राम के होने की वजह से ही दो डिफरेंट कैविटीज थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटीज सो प्रेजेंस ऑफ हेयर प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड मस्क्यूलर डायाफ्राम तो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक है इसके अलावा हेट्रोडोंट टीथ का जो है ये डेंटेशन पैटर्न है हमने रेप्टाइल्स पीछे पड़े थे बर्ड्स तो उनमें तो टीथ है ही नहीं तो रेप्टाइल में हमने पड़े थे कि रेप्टाइल में यूनिफॉर्म टीथ है उनके यानी कि वो होमोडोंट है उनके सारे टीथ जो है वो एक ही तरह के हैं और कंटिन्यूसली वो उनको रिप्लेस करते रहते हैं तो मैमल्स में आपको जो है वो हैट्रोडोंट मिलेंगे कि यानी ये एक तरह के टीथ नहीं है अगर डायग्राम की तरफ आए तो अपने फंक्शन के एतबार से इनके स्ट्रक्चर के एतबार से हम फोर कैटेगरी में टीथ को जो है वो डिवाइड करते हैं इनसीजर हैं जो फ्रंट के हैं अमूमन जो है सॉरी ये फ्रंट के फोर जो है जो है टीथ जो है अपर जा पे और फोर जो है लोअर जा पे तो कटिंग के तौर पर है बाइट हम इनसे लेते हैं इसके अलावा केनाइन केनाइन है जो चीरने फाड़ने का, का काम करते हैं परसिंग का काम करते हैं टेरिंग का काम करते हैं तो वो कैनाइन है उसके अलावा प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं, जो आ, काफी उनकी जो चौड़े टीथ है और ये ग्राइंड का, का काम करते हैं पीसने का, का काम करते हैं तो ये सारे आप देख लें कि इनके जो टीथ है वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि देर कॉन्टेना पैटर्न इसके अलावा भी है एक प्रोसेस कि ये अपना जो है लाइफ में इनके सिर्फ दो तरह के ही टीथ जो है वो एक दफा रिप्लेसमेंट होगी पहले इनके डेसीड्योस जो है या मिल्की टीथ होंगे और उसके बाद जो है वो मिल्की टीथ जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट से ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली ये रिप्लेस करते हैं ऐसा नहीं है और इस तरह की कंडीशन जो है वो डाइफाई कहलाती है जिसमें ये जस्ट जो है टू टाइप के जो है वो पूरी जिंदगी में जो है वो दो दफा जो है टेंटेशन पैटर्न जो है वो रखे एक दफा इनके जो है वो क्या हों डेसिडस uh, या हम उसको क्या कह सकते हैं कि इनका मिल्की uh, जो टीथ है और फिर उसके बाद वो रिप्लेस हो जाए परमानेंट की टीथ के साथ तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा डाइफाइडोंट एक और इनका यूनिक करेक्टर है कि लोअर जा विद सिंगल बोन तो पीछे हमने रेप्टाइल का पढ़ा था कि पांच या छह तरह की जो है वो बोन्स जो है लोअर जा पे होती हैं लेकिन इनकी एक ही जो है बोन होगी लोअर जा में डेंट्री बोन तो सिंगल बोन पर मुश्तमल होगा इनका लोअर जा और एक और करेक्टर के मिडल एयर थ्री ऑसिकल तो ये जो है मेमरी हम मेमल्स की पहचान कहते हैं इनके मिडल एयर में जो है वो ऑसिकल्स हैं और यही अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे छोटी कौन सी हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे मेलियस इंकस और स्टेप्स जिनको मिडल एयर ऑसिकल बोलते हैं तो ये हड्डियां सबसे छोटी हैं तो वैसे लार्जेस्ट ह्यूमन बींग में जो है वो फीमर है तो फीमर जो है वो सबसे बड़ी बोन है लेकिन ये जो हम मिडल एयर के ऑसिकल्स हैं तो ये स्मॉलेस्ट हैं और ये तीन हैं एयर सिंगल ऑसिकल नहीं है रेप्टाइल में ऐसे था लेकिन हम कह सकते हैं कि मैमल में क्या है कि एयर थ्री थ्री बोन्स ऑसिकल मेलियस इंकस एंड स्टेप्स और उसके अलावा क्या है डिवेलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन फीमेल यूजली नाइनटी परसेंट केसेज प्लेसेंटल मैमल तो उनमें प्लेसेंटा की डिवेलपमेंट होगी ड्यूरिंग जो है वो गैस्टेशन पीरियड तो फीमेल में हम ये देखेंगे तो ये यूनिक करेक्टर थे प्रेजेंस ऑफ हेयर मैमरी ग्लैंड मस्क्यूलर डेंटेशन पैटर्न लोअर विद सिंगल बोन मिडल एयर थ्री ऑसिकल एंड डिवेलपमेंट ऑफ प्लेस एंटा इन फीमेल बाकी और कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं इनके डिटेल के साथ 4800 स्पीशी हैं ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी आपको हर जगह पर जो है वो मैमल्स मिलेंगे हर तरह के इन्वायरमेंट में हमें ये नज़र आते हैं कुछ मैमल्स हैं जो आप, आ, फ्लाइंग नेचर के हैं जैसे बैट है या हम कहते हैं कि के फ्लाइंग केरल या लीमर है तो आ, ये इस, इसी तरह जो है हमें हमें डेजर्ट में मिलेंगे हमें सी में भी मिलेंगे हमें आइलैंड्स में भी मिलेंगे और आ, जो टेरिस्ट्रियल कंडीशन है वहाँ पर भी मिलेंगे तो इनकी डाइवर्सिटी जो है वो आ, बहुत ज्यादा है डाइवर्स है और डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं बॉडी कवर्ड विद हेयर बट रेड्यूज इन सम बॉडी यूजली जो है कैरेटन पर मुश्तमल जो है इनकी प्रोटीन होती है हेयर में कैरेटीनाइज हेयर पे जो है वो इनके हेयर बने होंगे और चंद एक ऐसे हैं कि जिनमें हेयर जो है वो रेड्यूज हैं जैसे हम कहते हैं वेहल में तो बेलिन वेहल है या ब्लू वेहल्स है इनकी बॉडी के ऊपर या डॉल्फिन है तो इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर नहीं है Four limbs are adapted for walking, running, climbing, uh, climbing, flying, and swimming. तो so four limbs jo hai wo one pair of four limb hai different function hai uske walking hai running hai climbing hai या fly करते हैं जैसे हम कहते हैं कि bat bat में जो है वो wings की में adopt हो गए हैं उन्होंने अपने आप को modify कर लिया है और swimming में flipper के तौर पर हमें कहाँ नजर आते हैं हमें whale में, dolphin में तो ये डिफरेंट एडाप्टेशन है इनकी फोर की हाइंड लिम्स आर हाइंडलिम्सेंट इन एंड साइरेनियन ये दो जो ऑर्डर हैं जैसे कैटेसियन ऑर्डर जो है वो वेहल का है तो इनमें जो है इसी तरह साइ, साइरेनियन के मेंबर जो हैं तो इनमें हमें जो है हम कह सकते हैं कि साइरेनियन हो गया या ये क्या नाम है कैटेसियन है तो इनमें हमें एबसेंट नजर आते हैं हाइंड लिम्स इंटेगोमेंट विद स्वेट सेंट से ग्लैंड तो इनकी जो इंटेगोमेंट है एपीडर डरमस पर मुश्तमल है, है और थिक डरमस है और डरमस में जो है वो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड है जैसे स्वेट ग्लैंड है सेंट ग्लैंड है सेबेशस ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड है स्वेट गलैंड जो है वो स्वेट प्रोडक्शन के लिए है उसकी आगे हम दो टाइप पढ़ेंगे एक्राइन है और एपोक्राइन है सेंट ग्लैंड जो है वो अमूमन जो है वो खास किस्म का केमिकल जो है वो खारिज करते हैं और सेंट ग्लैंड जो है वो आइडेंटिफिकेशन स्पीशी की करते हैं हर स्पीशी टू स्पीशी जो है वो इनका सेंट या फिरास जो है वो डिफरेंट टाइप के खारिज होते हैं तो उससे हम जो है कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के तौर पर और सेबिशियस ग्लैंड ज्यादातर ये ग्लैंड फेस के रीजन पर होंगे और ऑयल खारिज करेंगे हेड के रीजन में फेस के रीजन में तो ये भी जो है हम कह सकते हैं कि सेबिशियस ग्लैंड जो है ये ऑयल ऑयल खारिज करते हैं और ये ख़ास जगह पर जो है वो ज़्यादा लोकेट करते हैं और मेमरी ग्लैंड जो है इसकी प्रेजेंस मेल और फीमेल दोनों में है लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है प्रोलीफ्रेशन है और जो इसकी वर्किंग फॉर्म है वो फीमेल में मिलती है और ये जो है नरिश करवाते हैं यानी कि मिल्क प्रोडक्शन है और उसके बाद ये बेबी को नरिश करवाते हैं तो ये इंटेगोमेंट हो गया इसकी स्कल जो है वो विथ टू ऑसीपिटल कॉन्डाइल एंड सेकेंडरी पैलेट वन ऑसिपिटल कंडाइल नहीं है इसमें ये जो बोन है ये हम क्या कह सकते हैं कि टू ऑसिपिटल कंडाइल्स होंगी और सेकेंडरी पैलेट भी होगा मिडल एयर विथ थ्री ऑसिकल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया सेवन सर्विकल वर्टिब्री तो ये माइंड में रखिएगा कि मैमल्स में जो सर्विकल्स बोन्स हैं ये वर्टिब्री जो नेक की वर्टिब्री है वो सेवन है तो इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है स्पीशी टू स्पीशी लेकिन इनकी जो नंबरिंग है वो क्या मिलेगी सेवन और पेल्विक बोन जो है वो फ्यूज मिलेंगी तो ये भी इनकी पहचान है तो अगला पॉइंट है माउथ विद डाइफाई डॉट टीथ एंड हैट्रोडोंट दोनों मैंने आपको करवा दिए कि डाइफाई डॉट जो है ऐसे टीथ होते हैं कि जो ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली ये अपने टीथ जो पुराने टीथ है वो नए टीथ से रिप्लेस करते रहे ऐसे नहीं है इनके ये एक ही दफा इनकी रिप्लेसमेंट होती है पहले इनके मिल्की टीथ होते हैं और वो मिल्की टीथ जो है वो किससे परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं और मोलर ऐसा है कि जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है वो एक ही दफा आता है और वो परमानेंट रहता है बाकी इन सीजर जो है या हम कह सकते हैं कि केनाइन है के, के या प्री मोलर है ये पहले मिल्की होंगे और फिर किस में होंगे परमानेंट लेकिन जो मोलर है वो एक ही दफा आते हैं लोअर जा विद सिंगल लार्ज डेंट्री बोन और इसमें यानी कि सिंगल बोन पर ये मुश्तमल मुझ्त, है इनके लोअर जा और मूवेबल इनका आईलेट्स है एंड फ्लैशी एक्सटर्नल एयर और पिन्ना तो एक्सटर्नल एयर और पिन्ना जो है ये इनका होना भी मैमल की पहचान है ये आपको में नहीं मिलेगा लेकिन इनमें आपको नजर आएगा रेस्पारेशन बाय लंग्स विद एल्गोलाई हमने पीछे जब बीस पड़ा था तो उसमें हमने कहा था कि उनका पेराब्रॉक का है लेकिन इनका क्या है एल्वोलाई है लंग्स का जो है वो वन पेयर होगा और लेफ्ट और राइट जो लंग्स होंगे उनके लोकेशन भी इक्वल नहीं होगी यानी कि उसमें लाइन में नहीं ये पड़े होंगे और इसका जो माइक्रोस्कोपिक इनका जो बेसिक यूनिट है वो एल्वोलाई है जो ग्रेप्स की तरह है और वहां पर ही गैसेस की एक्सचेंज होती है मस्क्यूलर डायाफ्राम हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनके अंदर है और वो दो कैविटीज को डिवाइड करेगा थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी और लेरेंस इनका वॉइस बॉक्स है सेरंग्स हमने जो है वो किसमें पड़ा था बर्ड्स में पड़ा था ब्रेन लार्जली डिवेलप्ड स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो ये आपको तमाम वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा बड़े दिमाग वाले ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे और इनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल है जो है वो बाकियों की निष्बत काफी बड़ा होगा हाईली डिवेलप्ड होगा यही वजह है कि इनका ब्रेन जो है वो बहुत डिवेलप्ड है मेमोरी इनकी बहुत ज्यादा शार्प है और जो कंट्रोल है ब्रेन का वो बहुत वेल डिवेलप्ड है और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो इनके निकलते हैं इसके अलावा वन पेयर ऑफ मैटानिक मैटान किडनी है विद ओपन इनमें में हमने पढ़ा था कि एबसेंट है लेकिन इनमें दो यूरिटर होंगे और हर यूरिटर में खुलेगा ब्लेडर में और यूरिया इनका मेन एक्सक्रिटरी जो है वो प्रोडक्ट होगा क्लोएका जो है वो सिर्फ हमें एग लेइंग मैमल में प्रेजेंट मिलेगा अदरवाइज इनमें एनएस होगा लेकिन क्लोए का जो रेप्टाइल की तरह है एग लेइंग मैमल्स हम जो आगे क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो हम तीन तरह के मैमल पढ़ेंगे एग लेइंग मैमल 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 है मैमल है प्लेसेंटल मैमल है मार्सुपियल प्लेसेंटल तो उनमें जो एग लेइंग मैमल है उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल के अभी तक परसिस्ट किए हुए हैं और उनमें से इनका ये जो इंपॉर्टेंट ये जो है करेक्टर क्लोए का इसकी प्रेजेंस जिसकी वजह से ही इनका नाम मोनोट्रेम रखा गया तो क्लोएका का होना जो है वो लेइंग मैमल जो है वो रेप्टिलियन करेक्टरिस्टिक को शो करता है तो इसके अलावा डबल सर्कुलेशन पैटर्न है वो सिस्टम सारे का सारा इनका बर्ड से मैच करता है सिर्फ ये फर्क था कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स में राइट एटिक आर्च एज अ डोर्सल एटा काम करती है जबकि मैमल में लेफ्ट एटिक आर्च है और इसके अलावा बर्ड में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल है लेकिन इनमें नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल आपको मिलेंगे तो ये कुछ डिफरेंस था बर्ड के साथ अदरवाइज इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और बर्ड का सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा ही है एंटीथर्मिक है और होमियोथर्मिक है सरदान ने ये बहुत डिटेल से ये सारे टॉपिक करवाए हुए हैं इसलिए मैं इनको इतनी डिटेल से नहीं करवाऊंगी तो यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये फिक्स रखते हैं इंटरनल टेम्परेचर को और अपनी मेटाबॉलिक हीट से ही उसको जो है वो बैलेंस करते हैं तो ये एंडोथर्मिक और होम्योथर्मिक हैं है और सेक्सेस की बात करें तो इनके सेपरेट हैं फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है पीनस एज अ काटरी ऑर्गन और अगर हम मेल में बात करें तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस और सेक्रोटम के अंदर ये पड़े होते हैं एक्सटर्नल टेस्टिस हैं इंटरनल नहीं है और जब हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो फीमेल में खास किस्म का जब ब्रीडिंग सीजन है इनका खास किस्म का तो उसमें हम हम देखेंगे कि दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल होंगे एक को हम कहेंगे एस्ट्रस रिप्रोडक्टिव साइकिल और दूसरे को हम क्या कहेंगे मैंस्ट्रोल रिप्रोडक्टिव साइकिल तो मंकी एप्स गोरीला इनको छोड़ के तो मंकी एप्स गोरीला ह्यूमन बीन इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब एस्ट्रस साइकिल रखेंगे यानी उसमें फेलियर डिस्चार्ज होगा लेकिन वो व्हाइट कलर का होगा वो कोई भी उसमें ब्लड डिस्चार्ज या मैं डिस्चार्ज नहीं होगा लेकिन जो मैंने नाम लिए हैं कि जो प्राइमेट हैं, तो इनमें ये ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन द फॉर्म ऑफ मैं तो फीमेल में मैंस्ट्रल साइकिल होगा इनके इन केसेस में प्राइमेट्स में और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें क्या होगा एस्ट्रस साइकिल होगा और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होगी तो वो पूरा पीरियड जिसमें एम्ब्रियो यूट्रस फीमेल के यूट्रस में डेवलप करे उस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड ये भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के गेस्टेशन पीरियड के हवाले से आ जाते हैं इसके अलावा प्लेसेंटा इज़ जो एग लेंग है उसमें प्लेसेंटा नहीं होता लेकिन जो मार्सुपियल मैमल है उसमें हमें प्रीमिटिव प्लेसेंटा मिलेगा और जो प्लेसेंटल मैमल है उनमें मॉडर्न जो है वो प्लेसेंटा होगा और सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम मेल यूजली हेट्रोगेटिक हमने उसमें पढ़ा था बर्ड्स के केस में कि के उसमें फीमेल हेट्रोगेटिक होती है फीमेल दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है तो एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई और यहाँ पर मेल दो तरह के जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा एक्स गैमेट वाले 50% परसेंट स्पॉम और वाई क्रोमोसोम वाले 50% परसेंट स्पॉम तो यहाँ पे जो है मेल डिटर्मन करेगा सेक्स को माइक्रोलेसिथल एग है इनमें है, लेकिन एग लेइंग मैमल में हम माइक्रो नहीं कहेंगे उसमें हम मैगा कहेंगे लेकिन बाकी जो है मार्सुपियल मैमल्स हैं या प्लेसेंटल मैमल हैं तो उनमें माइक्रोलेसिथल है यानी कि यॉक जो है वो ना होने के बराबर है और यंग नरिश्ड बाय मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस इन अ फीमेल तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक थे ये किसके थे ये मैमल्स के थे मैमल की पहचान उसके यूनिक करेक्टरिस्टिक उसके जो है जनरल करेक्टरिस्टिक हम स्किन की तरफ दोबारा आते हैं इंटेगोमेंट की तरफ आते हैं ये मैमल की स्किन हमने लिए डायग्राम आप इसको डिटेल से इसमें से भी काफी सारे जो है वो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं तो जैसे हेयर है तो वो कहाँ से बनते हैं हेयर फॉलिकल बनेगा वहां से इनकी डेवलपमेंट होगी और डर्मल है ये ये एपिडर्मल नहीं है ये जो जितने भी हेयर हैं ये डर्मल हैं और डरमल इनका ओरिजन है और कैरेटन प्रोटीन के या फाइबरस प्रोटीन के जो है वो जो है ये बने हुए हेयर इसके अलावा हमने डिफरेंट ग्लैंड पढ़े जैसे स्वेट ग्लैंड है सेंट ग्लैंड है सेबे ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड है तो ये डिफरेंट टाइप के ग्लैंड जो है इनको वन बाय वन हम जो है थोड़ा बहुत देख लेते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट ग्लैंड की आगे दो तरह की टाइप्स हैं हाँ जी स्वेट ग्लैंड की दो तरह की इनकी टाइप्स है बहुत ज्यादा हैं और इनका मेन काम जो है एवापोरेशन कूलिंग करना है और ये कभी भी हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएट नहीं करते वाटरी स्वेट ये खारिज करते हैं इनका काम ही स्वेट प्रोडक्शन है और हीट को जो है ये बैलेंस करना है और एवेपोरेशन कूलिंग करना है इन्होंने तो ये कहलाएंगे और एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो आ, लार्ज जो है वो स्वेट ग्लैंड है और ये एसोसिएट होते हैं ओपन कहाँ से होते हैं ये हेयर फॉलिकल के साथ जो है ये एसोसिएट करेंगे और लार्ज अमाउंट में होंगे और मिल्क लाइक ये स्वेट जो है ये खारिज करेंगे और इनका काम जो है Uh, बाजूकात ये फिरामोस जो है वो अभी खारिज करते हैं तो एपोक्राइन ग्लैंड एंड ग्लैंड बोथ आर टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड इन विच ए क्राइन ग्लैंड कांट एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल वाइल एपोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल इसके अलावा सेंट ग्लैंड जो है वो मैंने बताया था कि सेंट ग्लैंड खास किस्म केमिकल्स या फिरमोन्स ये, ये, ये खारिज करते हैं और ये स्पीशी टू स्पीशी आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो इनके सेंट से या फिर से करते हैं यूज फॉर अट्रैक्शन उसमें भी ये काम आते हैं और एंड ऑफ पॉसिबल एनिमीज और टू सेट टेरिटरीज टेरिटरीज जब बनानी हो तो अपने तमाम पार्टनर को ये जो है एक, एक, अपने सेंट के थ्रू जो है वो इकट्ठा करते हैं सेबिशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जो है ये <coughs> ज्यादातर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये फेस के एरिया पे हेड के एरिया पे तो यहाँ पर ये ज्यादा होते हैं और ये ऑयल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए इनको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं और मेमरी ग्लैंड जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड है प्रेजेंट इन 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 बोथ मेल एंड एंड फीमेल 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 बट टेक प्लेस अ अ वर्किंग आल्सो तो ये यूज टू फीड यंग बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय अ पार्ट ऑफ ब्रेन दी तो जो बॉडी का टेम्परेचर है ह्यूमन में वो किससे कंट्रोल होता है क्या वो ए एपेथेलमस से हाइपोथैलामस से से, से या मेडुला ऑब्लगेटा से तो ये हीट सेंटर है ने भी आपको डिटेल के साथ करवाया हुआ है तो आप मेरे साथ अभी यानी ये शेयर करें कि कौन सा है है हाइपोथेमस है सेरिब्लम है या मेडुला गेटा है सेकंड द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी पैलेट इन मैमल्स एंड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम जो सेकेंडरी पैलेट है ये मैमल्स में भी है रेप्टाइल में भी है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है कहां से ये ऑरिजिनेट हुए हैं आ, आच्योसारियन ए पे है, बी पे साइनेप्सिड्स हैं, सी पे बोथ ए एंड सी है और डी पे नन ऑफ दीज है तो ये सेकेंडरी पैलेट जो है वो आचोसारियन लीनियज में भी था साइनेप्सिड जहाँ से मैमल ऑरिजिनेट हुए हैं साइनेप्सिड जो रेप्टाइल की जो है ग्रुप था तो उनसे भी ये, ये मैमल जो है हम कहते हैं उनसे निकले हैं तो ये दोनों आएंगे बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लिव ओनली अमेरिका अच्छा इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो इंडेमिक हैं यानी पाकिस्तान के भी पूछ सकते हैं कि आ, जो है कौन सा ऐसा है जो इंडेमिक है वो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा बल्कि मेरा जब 18 का था टेस्ट था तो उसमें भी पूछा हुआ था के डॉल्फिन uh, के हवाले से था कि एक्सट्रीम एंड डेंजर्ड है वो पाकिस्तान की और सिर्फ वो पाकिस्तान में ही है और आपको कहीं नहीं मिलेगी तो वो काफी नीचे डॉल्फिन के नेम पूछे हुए थे और ये पूछा हुआ था कि वो कहाँ की है तो एक तो वो पाकिस्तान की है और दूसरा वो है कौन सी वो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है तो इस तरह डिफरेंट uh, कंट्रीज के हवाले से ये पूछ सकते हैं कि कौन से मैमल है जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड करते हैं जैसे अमेरिका का यहाँ पूछा हुआ है तो कोआला है या पोजम है या ये एकिडना है एकिडना या ऑल ऑफ दीज है तो कोआला तो हमें ऑस्ट्रेलिया इन रीजन में मिलता है अपोजम ऐसा है जो सेंट्रल अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में ये अमेरिकन में अमेरिका में ही पाया जाएगा तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आप काइंडली जरूर देखा करें एक तो यानी इस तरह दो तरह के क्वेश्चन निकलते हैं एक तो ये कि उनकी ए, ये पूछा हुआ है कि कौन से कंट्री में है और दूसरा जो है इंडेंजर्ड स्पीशी के हवाले से भी पूछ ले हैं कि वो लोकल भी हैं उस कंट्री के और इंडेंजर्ड भी हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपने पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के जो इंडेमिक हैं जो पाकिस्तान में ही पाए जाएंगे मैमल्स और कहीं नहीं पाएंगे पाए जाएंगे आपने वो देखने हैं सिर्फ मैमल नहीं आपने बाकी ऑर्गेनिज्म भी देखने हैं और वो इंडेंजर्ड कौन से हैं एक्सटिंक्ट कौन से हैं Threatened, endangered, extinct इन फर्क एक्सटिंग है ये सारा आपने इस लिहाज से देख लेना है example ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फोर लिम्स जो है वो हॉर्स की आंट ईटर की हिमन की बैट की ये फोर लिम्स किसकी एग्जाम्पल है क्या वो ये एनॉगस ए पे एनॉगस स्ट्रक्चर बी पे होमोलोग स्ट्रक्चर सी पे पॉलीजेनेटिक स्ट्रक्चर डी पे बोथ बी एंड सी तो ये कौन सी इसकी एग्जाम्पल है हमने यूजली हम इसको एडेप्टिव रेडिएशन का नाम भी देते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन की ये एग्जाम्पल है तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो वो क्या चीज़ है वो डाइवर्जन एवोल्यूशन है जिसमें इंसेस्टर इनका सेम होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और उस इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी की वो जो स्ट्रक्चर है उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर उनकी सिमिलर होती है तो ऐसे ऑर्गन जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर हो उनका इंसेस्टर एक ही हो लेकिन उनके फंक्शन और उसकी मार्फोलोजी चेंज हो जाए ऐसे ऑर्गन को हम, हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं और इस तरह की एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं तो यहाँ अगर ऑप्शन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगी तब भी वो ठीक होगा अडेप्टिव रेडिएशन होगी तब भी ठीक होगा और अगर यहाँ स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो फिर क्या होगा होमोलोगस तो इस तरह एनालोग के हवाले से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे बैट के विंग हैं और इंसेक्ट के विंग हैं तो वो एनालोगस स्ट्रक्चर है यानी वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट मैमल के हवाले से बातें हैं ये आपसे मैं शेयर कर लू स्मॉलेस्ट मैमल किटलीज हॉगनोज बैट ये नेम है इस बैट का किटलीज हॉगनोज बैट वन पॉइंट वन फोर इंच लोंग तो ये जो है सबसे छोटा जो है ये मैमल है थाईलैंड में थाईलैंड का ये हम कह सकते हैं कि ये बैट है और ये दुनिया की सबसे जो छोटा मैमल है वो काउंट होगा लार्जेस्ट मैमल जो है उसे ब्लू वेल या बेलीन वेल का नाम देते हैं तो ये फिल्टर फीड फीडिंग है ये मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे मैंने शार्क का बताया था कि शार्क फिश जो है वो सबसे बड़ी आपको फिल्टर फीडर मिलेगी इसी तरह बेलीन वेल या ब्लू वेल जो है ये लार्जेस्ट है और 190 टन से भी ज्यादा इसका वजन है और कोई ये वन सेवेंटी टू एटी फीट जो है ये लॉन्ग है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ये लार्जेस्ट आप आ, मैमल है वैसे आपको जो है लार्जेस्ट लैंड जो मैमल है वो आपको एलिफेंट मिलेगा टालेस्ट जो मैमल है वो जिराफ मिलेगा लेकिन वो ओवरऑल अगर हम लार्जेस्ट मैमल की बात करें तो वो बेलिन वेल है और जिराफ जो है 20 फीट टाल है फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड जो है वो चीता है 96 जो है ये हम कह सकते हैं कि ये किलोमीटर जो है वो पर और जो है ये कर सकता है मूव कर सकता है और जिसकी हमें थिकेस्ट स्किन मिलेगी बहुत थिक मिलेगी वो राइनो सिरोस है तो जो राइनो सिरोस गेंदा टाइप तो ये टू इंच थिक इसकी आपको क्या मिलेगी स्किन मिलेगी तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है और भी अगर है तो वो काइंडली आप शेयर भी करें एक दूसरे के साथ तो इस तरह हो गए तो उसमें से भी क्वेश्चन निकल आते हैं अब हम चलते हैं क्लास में मे के रिप्रोडक्टिव पैटर्न के लिहाज से तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रिप्रोडक्शन को डिटेल से आज कर लेते हैं बाकी जो हमारा रह जाएगा वो हम अगले लेक्चर में इसका क्लासिफिकेशन और बाकी जो इनके जो भी मैमल्स के हवाले से हमारा बच जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है मैंने बताया उसमें वराइटी है और उसी बेस पर जो है इन मैमल्स को डिवाइड किया तीन ग्रुप्स में तो एग एग्लेंग है मार्सुपियल मेमल है प्लेसेंटल मैमल है तो हम सबसे पहले मोनोट्रेम्स देख लेते हैं यानी एग लेंग मैमल्स तो इनको हम पढ़ लेते हैं इंफ्रा इंफ्रा क्लास इसकी होगी और निथो डेल्फिया और इसमें ऑर्डर सिंगल ही है और वो मोनोट्रेम है और मोनोट्रेम का नाम ही जो है वो क्लोएका की बेस पर है यानी इनमें क्लोयका प्रेजेंट होगा एग लेइंग हैं है ओवी पैरिस नेचर के हैं या OVVV paris. OVVV paris, मैंने आपको पहले भी बताया था कि होल डिवेलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस इन साइड द एग एंड एग रिमेन इन यूट्रस ऑफ द मदर एंड देन हैचिंग ऑफ द एग टेक प्लेस एंड देन देन फीमेल ले द एग एग दर्स्ट एंड एम्ब्रियो रिलीज सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ओवी पैरस कि में डेवलपमेंट एग के अंदर है और एग फीमेल की बॉडी के अंदर है और बाद में फीमेल जो है एग को ले करेगी और उसी टाइम जो हैचिंग होगी तो ये जो कंडीशन जो है वो ओवी वी वी पेरिस और इसमें तीन स्पीशी हैं आगे हम डिटेल से उसको क्लासिफिकेशन में करेंगे फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया डकबिल प्लेटिप है और स्पाइनी आटीटर है तो ये अमूमन जो है अपने शेल्ड एग को बरो के अंदर जो है वो ले जाती हैं और वहां उनको बरीड कर देती हैं और उसके बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो हैचिंग होती है और बेबी जो है वो आता है बाहर और मिल्क जो है वो फीट करता है और एक और इनकी मज़े की बात कि इनके मेमरी ग्लैंड जो हैं उनके में निपल नहीं है तो वो सक नहीं करेगा बल्कि लैप्स करेगा चाटेगा वो जो मिल्क है वो इनके एक बैली में डिप्रेशन होता है तो वहाँ पे वो सारा मिल्क उस डिप्रेशन में गिर जाता है और बच्चा उस डिप्रेशन में आके वो एक मार्सुपियम टाइप नहीं होगी वो जैसे मारसुपियल मैमल्स की वो मारसुपियम होती है थैली होती है ऐसी नहीं होगी वो जस्ट वैली में हल्का सा डिप्रेशन होगा वहाँ पे बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड होंगे और उसमें से निपल नहीं होगा और वहां से वैसे ही मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क डिस्चार्ज होगा डिप्रेशन में आएगा और जो बच्चे हैं उस डिप्रेशन के एबडोमिन एबडोमिनल डिप्रेशन के अंदर जाके और वहां से उसको लैप्स करेंगे यानी कि चाटेंगे लैक्स करेंगे ये तो सक नहीं करेंगे क्योंकि इनमें जो मेमरी ग्लैंड है उसमें ऊपर नहीं, नहीं है मार्सुपियल जो हैं ये जो है ये बर्थ का प्रोसेस करते हैं ये एग ले नहीं करते और इनका एग फर्टिलाइज ही होता है और इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है यहाँ पे अगर हम मार्सुपियल मैमल्स की बात करें तो आप ये कहेंगे कि गेस्टेशन पीरियड इज मच शॉर्टर पेरेंटल केयर पीरियड कि पेरेंटल केयर पीरियड की निस्ब इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है उसके दो रीजन है एक तो रीजन ये है कि इनमें प्रॉपर हाईली डिवेलप प्लेसेंटा नहीं है जो बेबी को इतने टाइम के लिए जो है वो नरिश करवाए तो इसलिए वो ज्यादा देर तक जो है वो यूट्रस में नहीं रहेंगे इनका जो प्लेसेंटा होता है वो हम कहते हैं प्लेसेंटा की एक्चुअल दो टाइप है एक वो होता है जो हम कहते हैं यूट्रस का एक छोटा सा डिप्रेशन सा बना हो कोरियोवाइट लाइन मेमब्रेन से तो जस्ट वो बना हो तो उसको हम प्रीमिटिव प्लेसेंटा कहते हैं या कोरियो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं लेकिन अगर प्रॉपर कनेक्शन हो बिटवीन मदर एंड बेबी तो उसमें बेबी की एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर हो और मदर की यूट्रस की जो प्रोलिफ्रेटिंग जो अपर वाली वॉल है उनके दरम्यान कनेक्शन है तो उसको हम कहते हैं कि एलेंटोइक जो है कोरियो एलेंटोइक टाइप या हाईली मॉडर्न प्लेसेंटा तो इनमें वो नहीं है इनका प्रीमिटिव प्लेसेंटा है और वो प्रीमिटिव प्लेसेंटा ज्यादा देर तक जो है वो बच्चे को वहां पे नहीं फीड करवा सकता नहीं रख सकता एक तो ये वजह है दूसरी वजह यह है कि इनमें जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है जिसे हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं और वो प्रोजेस्ट्रॉन अमूमन जो है वो मॉडर्न जो प्लेसेंटा है उसमें से निकल रहा होता है तो इनका चोंक मैंने आपको बताया प्रिमिटिव प्लेसेंटा है तो इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना ज्यादा नहीं बनता और वी कैन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन तो जब वो हार्मोन ही बहुत डेफिशिएंट होगा तो फिर वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकेगी इसलिए वो इनका जो इमैच्योर सा जो बच्चा है वो उसको जो है वो बाय बर्थ जो है वो हम कह सकते हैं कि बाहर आता है लेकिन बहुत हेल्पलेस होता है उसे बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर की जरूरत होती है वो क्रॉल करता है क्रॉलिंग करके वो खुद जो है में आएगा और मार्सुपियम में आके उसे जो है इनक्यूबेशन भी मिलती रहेगी और उसको हिफाजत भी मिलेगी और वहां से पेरेंटल केयर भी मिलेगी यानी कि वो फीड भी करेगा और वो पेरेंटल केयर का टाइम बहुत ज्यादा होगा हम कहते हैं कि इनका गेस्टेशन का टाइम जो है वो हम कह छ से थर्टी थ्री डेज तक है कि किसी का छह दिन होता है किसी का बारह दिन होता है थर्टी थ्री डेज इससे ज्यादा नहीं और जो इनका पेरेंटल केयर टाइम है वो टू हंड्रेड प्लस डेज है टू सेवेंटी टू सिक्सटी थ्री हंड्रेड यहाँ तक डेज है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे मैमल हैं जिनका uh, जो गेस्टेशन टाइम जो है वो पेरेंटल केयर टाइम से बहुत कम है तो जो प्लेसेंटल सेंट्रल मैमल है उनका गेस्टेशन टाइम ज्यादा है पेरेंटल केयर वाले टाइम से क्योंकि उनमें क्या है वेल well प्लेसेंटा है तो ये चीजें आपने जो है वो माइंड में रखनी है हाँ जी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको मार्सुपियल मैमल की कुछ मार्सुपियल मैमल हैं वो बड़े मजे की आपको ये डायग्राम यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रही होगी हिकमैन की बुक से देखिएगा वहां से मैंने ली है तो ये अगर आपने ज्यादा क्लियर लेकिन यहाँ पे डायग्राम की नस्बत जो है अगर आप बात सुन ले गौर से तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कुछ मार्सुपियल्स uh, मैमल होते हैं जिनका हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो है हमें जो है वो ब्रीडिंग या लाइफ साइकिल मिल रहा होता है ये रिप्रोडक्टिव पैटर्न मिलता है और कुछ तो ऐसे हैं मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म जो एट अ टाइम उनकी फीमेल जो है तीन डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो को जो है वो जो पाल रही होती है तो अब वो तीन डिफरेंट टाइप के किस तरह है कि जो इनका पहला जो इनका जो बच्चा है वो जब ये इनका गेस्टेशन टाइम होगा पूरा वो बच्चा जो है बाहर आएगा तो उसे हम जॉय का नाम देंगे अच्छा और वो जो बच्चा है वो इसको रखेगी अपने यानी उस जॉय को या कहाँ रखेगी ये अपनी उसमें यानी वो जॉय जो है जब ये गेस्टेशन का टाइम इसका कंप्लीट होगा बाहर आएगा क्राल करता हुआ वो इसकी थैली में आएगा जब जो ही ये थैली में आएगा इसका बेबी और फीड करेगा इसके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क लेगा तो ये इसकी फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी और जो प्रेगनेंसी के के दौरान हम कहते हैं कि इनका जस्ट चंद दिन का जो बेबी होगा इसके यूट्रस में तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायापास इसको अर्ली डायापास का नाम देते हैं और ये आपको या एम्ब्रियोनिक डायापास तो इसका भी पूछ सकते हैं कि डाया का क्या मतलब है तो एम्ब्रियोनिक डायापाज का मतलब है कि अर्ली जो है डिवेलपमेंट अरेस्ट और ये में ये रेड में इस तरह का प्रोसेस है तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो अच्छा वो फिर वो उसकी अरेस्ट वो अरेस्ट क्यों होगा क्योंकि जो बच्चा इसकी थैली के अंदर है वो उसको मिल्क को फीड कर रहा है और मिल्क में से इस तरह के केमिकल्स हैं कि जो इसके अंदर डेवलपमेंट को अरेस्ट कर देते हैं और वो बच्चा ये नहीं होगा कि वो बच्चा वहां पे डेड हो जाएगा नहीं वो इनएक्टिव होगा वो एम्ब्रियो जो है, है वो इनएक्टिव होगा अच्छा एक वो वो है एम्ब्रियो जो इसकी यूट्रस के अंदर है एक वो है जो इसकी थैली में पल रहा है अच्छा उसके बाद फिर जब इसका जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इसकी मार्सुपियम से बाहर निकल आया है तो जो ही ये मार्सुपियम से वो बाहर निकलेगा तो जो अंदर इनएक्टिव प्रोसेस चल रहा था वो एक्टिव हो जाएगा और फिर उसकी गैस्ट्रेशन होगी यानी टाइम उसका पूरा होगा और वो बच्चा जो है सेकंड जो बेबी है जो जॉय है वो भी जो है वो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो बाहर आएगा अब वो थैली में चला जाएगा जो सेकंड बेबी है वो थैली में चला जाएगा और जो फर्स्ट बेबी है वो बाहर होगा वो बाहर आके ये नहीं है कि वो मदर को छोड़ देगा वो बाहर आके भी वो मेमरी ग्लैंड से मिल्क लेगा तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक वो बच्चा है जो पहला पहला बेबी था एक वो है जो थैली से बाहर है और घूम फिर के आके वो मदर को आके फीड कर रहा है दूसरा वो जो, जो है जो हम कह सकते हैं कि जो अभी अभी थैली के अंदर आया है और जो ही वो थैली के अंदर आएगा ये फीमेल थर्ड टाइम फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो प्रेग्नेंट जो जब हुई है तो उसका जो बच्चा है वो फिर उसका डायापाज हो जाएगा यानी वो फिर उसका यानी कि डिवेलपमेंट जो है वो अरेस्ट कर दी जाएगी तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस टाइम रेड कैंग्रो जो फीमेल है उसने तीन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं और डिफरेंट टाइम के साथ एक वो बच्चा जो बाहर है थैली के लेकिन मदर को आके फीड कर रहा है एक वो ज्वाय जो इसके थैली के अंदर है और एक वो जो इसके यूट्रस में है लेकिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है एम्ब्रियोनिक की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो इस तरह इस तरह का लाइफ साइकिल आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा लाइफ साइकिल मीन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहाँ मिलेगा जस्ट रेड कैंग्रो में अच्छा एक और मजे की बात कि इनका जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है फॉर एग्जाम्पल अपोजम मार्सुपियल मैमल है उसका बच्चा जो पैदा होगा उसका साइज जस्ट हनी भी जितना होगा तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि वो बहुत ही छोटा बेबी होगा तो उसका बहुत छोटा साइज होगा इसी तरह रेड रेड का जो जोए जो पैदा होगा आफ्टर थर्टी थ्री डेज तो गेस्टेशन का टाइम है इसका जस्ट थर्टी थ्री डेज है तो वो पैदा होगा तो वो जस्ट हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे फिंगर जितना होगा फिंगर से थोड़ा सा हाथ जितना होगा एक तो ये इतना छोटा उसका साइज होगा और बाकी उसका जो साइज बढ़ेगा वो सारा इसकी जो है मार्सुपियम के अंदर होगा उसके बाद अगर हम बात करें यूथेरिया में की तरफ आए ट्रू प्लेसेंटल मैमल तो ये नाइन्टी परसेंट होते हैं मोस्ट सक्सेसफुल है इनका सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लेसेंटा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको एलेंटोइक प्लेसेंटा मॉडर्न प्लेसेंटा कहेंगे और ये किसके दरमियान होगा कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस और इसमें से जो प्रेगनेंसी हार्मोन है हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो इतना कॉन्स्टेंटली uh, निकलेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा जिसकी वजह से इनका गेस्टेशन का टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा निस्बत पेरेंटल केयर के तो ये बात आपने याद रखनी है और फिर हर ऑर्गेनिज्म का हर प्लेसेंटल मैमल की जो स्पीशी है वो वेरी करेगी उनका अपना अपना गेस्टेशन टाइम होगा तो चंद ऑर्गेनिज्म का मैं आपको बता देती हूँ जैसे माइस है वो ट्वेंटी वन डेज है और माइस की तो और भी कहानी है कि ये फास्टेस्ट है बहुत फास्टेस्ट है सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्टिव के लिहाज से जो फास्ट फास्टेस्ट रेट है वो किस में है माइस में है और गेस्टेशन पीरियड भी इनका बहुत शॉर्ट है ये इनका ट्वेंटी वन डेज का है और अगर हम कैट और डॉग की बात करें तो उनका सिक्सटी डेज है और रेबड का थर्टी डेज हेयर थर्टी सिक्स डेज तो कैटल में टू एटी डेज एलिफेंट में ट्वेंटी आपने कहना जी लार्जेस्ट होगा जितना ऑर्गेनिज्म तो उसका ज्यादा गेस्टेशन टाइम होगा हाँ ये कहानी एलिफेंट तक तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनका गेस्टेशन टाइम इतना ज्यादा नहीं है जैसे बेलिन वेल है तो बेलिन वेल में ऐसे नहीं है बेलिन बेल जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका गेस्टेशन टाइम जो है वो 12 मंथ तक है तो इस लिहाज से इसके अलावा जो है चिंपैंजी 227 है ब्लैक बेयर 210 है हेमन बींग का जो है वो 9 मंथ का है तो लाइन का 108 है तो ये इसी हिसाब से आपने जो है वो देख लेना है हर एक ऑर्गेनिज्म का आपने गेस्टेशन टाइम जो है वो देखना है कि कैसे अच्छा फिर मैंने जैसे आप लोगों को से डिस्कस किया था साइकिल के हवाले से तो मैंने ये बताया था कि एस्ट्रस साइकिल भी होता है मैंस्ट्रल साइकिल भी है और एस्ट्रस का मैंने बताया था कि सारा वैसा ही है मैंस्ट्रल जैसा लेकिन इसमें एक तो ये है कि जो फीमेल की मेटिंग का टाइम है वो इसके दौरान ही होगा इसके एस्ट्रस साइकिल में और खास किस्म का टाइम होगा जिसे हीट जोन या हीट साइकिल का नाम भी देंगे सिर्फ उस टाइम ही फीमेल जो है मार्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरली शो करवाएगी कि फीमेल जो है वो रेडी है मेट के लिए तो वो जो है वो इसके एस्ट्रेस साइकिल में ही ऐसा होगा और दूसरा जैसे मैंने बताया कि इनका एस्ट्रेस साइकिल में जो डिस्चार्ज है वो ब्लड की नहीं होती वाइट फेलियो की इनकी डिस्चार्ज होगी लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी मेंसेस नहीं होंगे तो इस तरह का जो इनका साइकिल होता है इसे हम एस्ट्रेस साइकिल कहते हैं और एस्ट्रस साइकिल में कुछ ऐसे हैं जो पूरे साल में पूरे सीजन में सिर्फ एक ही इनका फीमेल का एस्ट्रस साइकिल होता है वन एस्ट्रस साइकिल पर ईयर तो उसमें डॉग है फॉक्स है बैट्स हैं तो इनका पूरे अपने सीजन में वन एस्ट्रस साइकिल होगा और उसी एस्ट्रस साइकिल में फीमेल प्रेग्नेंट होगी और यानी कि वो स्पॉम रिसीव करेगी फ्रॉम मेल लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पोली हैं और पोली का मतलब यह होता है अच्छा डॉग जो वाइल्ड डॉग है एक और बात एक और इस हवाले से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाइल्ड डॉग है वो जंगली डॉग जो है उनका वन एस्ट्रस साइकिल है लेकिन जो हमारे ये जो पालतू हैं डॉग्स हैं ये डाई एस्ट्रस हैं ये दो जो है वो साइकिल इनकी फीमेल रखती है ब्रीडिंग सीजन में तो पोली एस्ट्रस में यानी जो बहुत सारे जो साइकिल हो जिनका सीजन में तो उनको पोलियस्ट्रस कहेंगे और उसमें फिर आ गया माइस माइस का हर चौथे या छठे दिन के बाद जो है फीमेल एक नया साइकिल रख रही होती है इसीलिए इनका फास्टेस्ट रेट है इनकी पॉपुलेशन बहुत फास्ट है और बच्चे पैदा करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है और स्लोएस्ट किसमें है एलिफेंट में तो पोलियस्ट्रेस का क्या मतलब है सेवरल साइकिल पर ईयर तो इसमें माइस कैरल मैनी ट्रॉफिकल मैमल्स ये इसके अंदर आएंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स में एप्स हैं मंकी हैं गोरीला है चम्पैनजी ह्यूमन बींग तो ये मैंस्ट्रल साइकिल रखते हैं और इनमें चेंजेस आएंगी यूट्रस में भी ओवरीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी और इनकी स्टेज भी और तरह की होगी इनमें मैंस्ट्रल फेज़ होगी इनमें प्रेपरेटरी फ़ेज़ होगी इनमें सेक्रेटरी फ़ेज़ होगी लेकिन इस तरह का प्रोलॉन्ग जो है साइकल का चक्कर नहीं है और ना ही ड्यूरिंग जो जो कहेंगे या या रेडी है ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है और इसमें जो लास्ट के एंड में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज होगी ब्लड की ब्लड डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसमें वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी होगा उसमें कार्पस ल्यूटियम जो बना हुआ है उसके पीसिस भी होंगे कार्पस एल्बिकेन के नाम से और फिर यूट्रस की जो लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक कर गई है वेस्कुलराइज थी और बहुत थिक थी वो भी सारी वहां से बस्ट करेंगी और जब ये इनका मिक्सचर मिलेगा तो वो जो है उसमें से ब्लड होगा और उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे मैंसिस कहेंगे तो इन द एंड ऑफ साइकिल व्हेन देयर इज नो प्रेगनेंसी देन वी कैन डिस्चार्ज ऑफ टेक प्लेस दैट इज इज व्हाई दिस साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल

मेच्योर होके वो ग्रोइंग फॉलिकल में फिर ग्रेफियन फॉलिकल में फिर उसकी ओव्यूलेशन होगी एल एच हारमोन और पहले फॉलिकल बढ़ेंगे FSH के जरिए और फिर उसकी बर्स्टिंग याच के जरिए या और ओबम जो है यहाँ से निकलेगा और यूट्रस में जाएगा और बाकी जितने भी हैं अनफर्टिलाइज एग हैं या ये जो फॉलिकल्स हैं ये आपस में मिक्स करेंगे और उससे क्या बनेगा कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्ट में निकलेगा लेकिन बाद में वो प्लेसेंटा से अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर नहीं होती तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये बस्ट कर जाएगा और कार्पस एल्बिकेन में चेंज हो जाएगा और यहां पे हारमोन भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट का भी रोल है एल का भी रोल है पहले एफ निकलेगा और फिर वो ज्यादा होगा लेकिन बाद में एल एच जो है वो निकलेगा और फिर वो जो है एल एच ओवोलेशन करवाएगा कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन करवाएगा और यही हारमोन जो है जब ओवरी में चेंजेस ला रहे हैं तो ओवरी में चेंजेस आने से फिर दो हार्मोन बनेंगे एक वो जो फॉलिकल से बन रहा है जिसे हम एस्ट्रोजन कहेंगे और वो जो कार्पस ल्यूटियम से बन रहा है जिसे हम कहेंगे उनका लेवल भी आप देख सकते हो कि पहले एस्ट्रा या एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा और फिर प्रोजेस्ट्रॉन का और प्रोजेस्ट्रॉन इज फिफ्टी टाइम मोर इफेक्टिव देन एस्ट्रोजन काम इनके तकरीबन सेम है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं और यही दो हार्मोन जो है ये यूट्रस में चेंजेस लाएंगे पहले फॉलिक्यूलर फेज होगी जिसको हम प्रेपरेटरी फेज कहेंगे फिर सेक्रेटरी फेज आएगी और फिर मैं फेज आएगी तो ये सारा डिटेल से जो है ये आपको करवाया होगा सरदनान ने भी तो ये सारा साइकिल आप देख सकते हो कि इस साइकिल को हम नाम देंगे मैंट्रल साइकिल का और कहीं भी और लास्ट में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो है वो खारिज कर दिए जाएंगे और वो बर्स्टिंग होगी वही यूट्रस की अपर लेयर जो बहुत ज्यादा वेस्क्यूलराइज कर गई है लेकिन साइकिल में ऐसा सीन नहीं है चले मानते हम कि वो फॉलिकल ओवम बनता है यानी कि ओवरीज में ओवम भी बनेगा और ये एल एच और एफ एस एच ऐसे हैं लेकिन अंदर जो है ये ये नहीं हम कहेंगे कि जैसे यूट्रस बहुत ज्यादा थिक कर गई है बहुत ज्यादा इस तरह नहीं होगा ना ही मैंसिस की डिस्चार्ज होगी और दरम्यान में इनका टाइम आएगा जिसमें फीमेल जो है वो अजीब सा बिहेवियर शो करेगी उसमें वो आवाजें भी निकाल रही होगी और वो बेचैन सी होगी उसके अंदर हार्मोनल जो है चेंजेस इतनी ज्यादा आएंगी कि वो डिप्रेस्ड भी होगी और उस टाइम उस टाइम को हम कहेंगे वो हीट टाइम है उसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा होगा और उस टाइम में वो रेडी होगी फॉर मेटिंग तो ये प्रोसेस हमें जो है वो मैं साइकिल में नजर नहीं आता तो अक्सर इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लास्ट में हम चलते हैं इनके एमसीक्यूज की तरफ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ लार्जेस्ट मैमल बेलिन इज ए पे डेज बी पे टू सिक्स डेज सी पे थ्री सिक्सटी फाइव डेज और डी पे ट्वेंटी टू मंथ तो यहाँ पर तो बेलिन वेल का गैस्ट्रेशन पीरियड पूछा है किसी का भी गैस्ट्रेशन पीरियड पूछ सकते हैं माइस का पूछ सकते हैं ह्यूमन बींग का पूछ सकते हैं कैट का डॉग का बैट का रैबिट का हेयर का तो किसी का भी पूछा जा सकता है तो जैसे मैंने बेलीन वेल का कहा था ट्वेल्व मंथ ट्वेल्व मंथ जो है वो यानी एक साल तीन सौ पैंसठ डेज तो इसका सी जो है वो ऑप्शन ठीक है इस हवाले से अगर ट्वेल्व मंथ लिखा होगा तो वो भी ठीक होगा तो ये किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है किसी का भी गेस्टेशन टाइम पूछ सकते हैं पीरियड पूछ सकते हैं या फास्टेस्ट रेट पूछ सकते हैं जैसे मैंने माइस का बताया दर्ड मोनोट्रीम रेफर फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोनोट्रीम मीन एग लेइंग मैमल ए पे क्या ओविपेरिटी है बी क्लोएका सी मेमोरी ग्लैंड विदाउट डी पे बोथ एंड सी या ऑल ऑफ भी आ सकता है लेकिन यहां पर हम ये नहीं कहेंगे मोनोट्रीम का मतलब ही क्लोएका है तो यहाँ पे क्लोएका जो है कंफ्यूज नहीं होना तो क्लोएका की वजह से हम इसको क्या कहते हैं मोनोट्रीम क्वेश्चन नंबर थ्री द ग्लैंड एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल आर पीछे हमने ग्लैंड पढ़े थे तो सेबेशियस ग्लैंड एक्राइन ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड स्पेशियस ग्लैंड बी और एपोक्राइन ग्लैंड बी ये हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड हैं तो बोथ ए एंड सी आएगा इसका और क्वेश्चन नंबर फोर टीथ आर सिंपल रिड्यूस्ड और इवन एब्सेंट इन तो वो किन में है टीथ जो है वो सिंपल होना रिड्यूस्ड होना या इवन एब्सेंट क्या वो बेलिन व्हेल में है बी आर्माडिलो में है सी आंट ईटर में है या डी ऑल ऑफ दीस तो वो किन में है तो ये बेलिन वेल में नहीं होते आर्माडीलो में और आंट आटर में आंट आटर में भी नहीं होते आर्मा डीलो में बहुत ही सिंपल होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं तो ये सारा आएगा ऑफ आलोकदीज इसी तरह पूछ सकते हैं हेयर किस में जो है वो नहीं है वो आपसे पूछा जा सकता है मुखल तरीके से रिप्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं तो वो मैंने छोड़ दिए हैं आपके उसमें असेसमेंट के दौरान या जो आपका ग्रैंड टेस्ट होगा मॉक टेस्ट होगा तो उसमें इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा नेक्स्ट हम इसका चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल कुछ और MCQs जो है वो भी लेंगे इसका ओरिजिन लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल नहीं सॉरी इनका ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल चूंकि ये रेप्टीलिया से निकले हैं इसलिए ये चार्ट इनशाला हम बहुत डिटेल से करेंगे इनकी जो है ऑर्डर जो है वो देखेंगे वो डिटेल से करेंगे और जो बाकी हमारे रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में देखेंगे अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत अल्लाह हाफिज